Hello friends, good morning to all of you. How are you? Today we discuss about a capacitors. Last day हमने definition of capacitor, its unit, its type, its representation इन सभी के बारे में discuss किया था. Now we discuss about a capacity of a spherical conductor. Capacity of a isolated spherical conductor. हमें के स्फेरिकल कंडक्टर लेके चलते हैं. यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है आइसोलेटेड. आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है? वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट ए सिस्टम. उस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करे, दैट इज नोन एज ए आइसोलेटेड केस. अगर हम बात करें एक स्फीयर की हैविंग रेडियस आर, ये लेके चले भैया एक स्फीयर लिया ऑफ रेडियस ए और विच इज चार्ज, जो कंडक्टिंग केस है जिसके लिए हमने चार्ज अज्यूम कर दिया स्टूडेंट. लेट कंसंट्रेटेड एट पॉइंट ए ओ, जो चार्ज था बॉडी के ऊपर हमने वो इसके सेंटर पॉइंट ए ओ के ऊपर कंसंट्रेट कराया. अब हम यहां से कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं. तो लास्ट डे हमने कैपेसिटी के लिए फार्मूला डिटरमाइन किया था स्टूडेंट. सी इज इक्वल क्या था आपका? क्यू बाई वी. हमने एक रिलेशन पढ़ाया था क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी. किसी कैपेसिटर के लिए जितना आप चार्ज बढ़ाते जाओगे उसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा, दैट इज क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के साथ. अगर हम यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करें स्टूडेंट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या था? सी वी. तो यहां से आपका सी, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या फिर जिसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा? इस साइड लेके आओ इसको, तो क्यू बाई वी. सी इज इक्वल क्यू बाई वी. अब हमारे पास क्यू तो गिवन है, चार्ज तो दे रखा है बॉडी के लिए, सिर्फ हमने क्या डिटरमाइन करना स्टूडेंट? पोटेंशियल. तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे तो क्या वैल्यू आए स्टूडेंट? लेट ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए आर हैविंग सेंटर पॉइंट O. एक स्फीयर लिया जिसके लिए रेडियस आर मान लिया हमने, सेंटर O, चार्ज Q इज प्रेजेंट ऑन स्फीयर एंड अज्यूम्ड कंसंट्रेटेड एट पॉइंट. जो टोटल चार्ज था हमारा स्फीयर के ऊपर उसको हमने कहां पे कंसंट्रेट कराया स्टूडेंट? एट पॉइंट ए ओ के ऊपर कंसंट्रेट किया. तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू क्या आ जाए? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट on surface of sphere, that is V is equal. क्या फार्मूला था स्टूडेंट हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए? हमने
थर्ड चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन किया था, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था हमारा क्या था भाई, चार्ज अपॉन 4πε0a डिस्टेंस। चार्ज यानी कि चार्ज कितना स्टूडेंट हमारा q अपॉन 4πε0, एक कांस्टेंट टर्म थी हमारी, और डिस्टेंस बिटवीन देम भाई यहां पे ले, यहां पे चेक करें या यहां पे चेक करें, तो ये तो इस सफियर के लिए रेडियस बनेगी। आप किसी भी पॉइंट को सफियर के ऊपर, कोई भी सरफेस के ऊपर जो पॉइंट लाई किए हुए हैं, अगर आप उसको सेंटर पॉइंट से मिलाओगे तो वो क्या कहलाएगी, उसके लिए रेडियस कहलाएगी। और रेडियस हमने कितनी अज्यूम किया स्टूडेंट आर, सो v इज इक्वल q अपॉन 4πε0a एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तो क्या फार्मूला आपका स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल Q बाय V। हमने V की वैल्यू निकाल दी, वैल्यू पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाए भाई, सो C इज इक्वल Q अपॉन V की जगह पे Q इंटू 4πε0a, तो Q से Q कैंसल, तो C किसके इक्वल आ गया 4πε0a। अब यहाँ पे जो आपका 4πε0a स्टूडेंट वो एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, एज 4πε0 इज इक्वल ए कांस्टेंट। तो ऐसे हमारा जो C है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, दैट इज कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ए रेडियस। तो यहां से हम रेडियस के साथ इसका रिलेशन बताएंगे स्टूडेंट, एज द रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेस इट्स कैपेसिटी गोज ऑन ए इंक्रीजेस, जितना हम रेडियस को बढ़ाते जाएंगे, लार्जर द स्फीयर मोर विल बी इट्स रेडियस, हायर विल बी इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हेंस लार्जर द स्फीयर मोर विल बी इट्स रेडियस, जितना स्फीयर लार्ज होगा स्टूडेंट उसकी रेडियस क्या करती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और जब रेडियस इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी क्या करेगा हमारा, इंक्रीज करता जाएगा। सो इट्स कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस, उसकी कैपेसिटी भी क्या करेगी स्टूडेंट इंक्रीज करते जाएगी। तो अब हमें अगर बात करें अर्थ के केस में, एक एग्जांपल लेके चले स्टूडेंट, क्योंकि अर्थ भी हमारी एक सफियर है, सफियर की तरह बिहेवियर करती है, बट एक्चुअली इट्स शेप इज नॉट सफियर, फॉर एग्जांपल फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी टेक अर्थ एज ए सफियर। लेट रेडियस ऑफ ए अर्थ, अर्थ के लिए रेडियस कितनी है स्टूडेंट हमारी 6400 किलोमीटर। अब हमारे पास रेडियस है भाई, से किसके इक्वल है, सो इट्स कैपेसिटी, तो कैपेसिटी क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारी, सी इज इक्वल 4πε0a। अब जो 4πε0 है उसके लिए वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट हमारी, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यूज किया था 1/4πε0 के लिए वैल्यू आई थी 9×10⁻¹। तो यहां पर क्या स्टूडेंट आपका 4πε0 है यहाँ पे, तो इन्वर्ट कर दे इसको, तो इन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 1/9×10⁻¹ वैल्यू बन जाएगी। तो यहां से हम इसको
पुट करेंगे 1/9 × 10^9 × में भाई रेडियस आपके 6400 किलोमीटर है तो 6.4 × 10^6 से मीटर, तो 6.4 × 10^6 से मीटर स्टूडेंट। तो जब हम यहां से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 711 माइक्रो फैराड। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करके आएंगे तो जो वैल्यू है हमारे वो कितनी आ जाएगी 711 माइक्रो फैराड। दैट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द सफियर ऑफ अजूम्ड वैन एज ए अर्थ। जब हम अर्थ को एक सफियर अजूम कर देते हैं तो उस टाइम पे उसकी जो रेडियस है 6400 किलोमीटर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 711 माइक्रो फैराड आ जाएगा उसमें। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो कोई भी सफियर है आपका, कोई प्लेनेट है, कोई बॉल आप लिए हुए हो, उन सभी के लिए आप उसकी कैपेसिटी को डिटरमाइन कर सकते हो भाई कितना वो चार्ज को स्टोर कर पाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल आता स्टूडेंट हमारा, अब हम प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर डिस्कस करेंगे कि एक जो कैपेसिटर है कैसे चार्ज को स्टोर करता है, व्हाट इज इट्स ए प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो क्या कहलाती है हमारे कैपेसिटर्स। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है स्टूडेंट। तो कैपेसिटी क्या बढ़ जाएगी फिर इसके लिए स्टूडेंट, अगर आप जैसे कैपेसिटर था उसको डिफाइन कर दिया, बता दिया भाई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपका, तो इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, उसको हम किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट, कैपेसिटी, कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस। अब वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे स्टोर करता है स्टूडेंट, क्या उसके लिए प्रिंसिपल बनेगा, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल कंसीडर ए थिन मेटालिक प्लेट ए, एक मेटालिक प्लेट ए लेके चले स्टूडेंट, विच इज चार्ज, जिसको हमने चार्ज किया, लेड प्लेट ए, एक कंडक्टिव चार्ज प्लेट ए लेके चले हम स्टूडेंट, टेक अनदर मेटालिक प्लेट बी नियर इट विच इज इनिशियली अने चार्ज, इसके नजदीक हमने के अनदर मेटालिक प्लेट ली स्टूडेंट, लेट ए बी विच इज इनिशियली अने चार्ज, दिस इज द कनेक्शन ऑफ ए अर्थ। यहां पे ये जो हमने शो किया स्टूडेंट, ये हमने
अर्थ का केस लिया है कि भाई ये अर्थ से अगर हम इसको यहां से कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कनेक्टेड विद द अर्थ। तो अब फर्स्ट जो केस लिया है इसके अंदर ये आपका डिसकनेक्टेड है। तो एक मेटालिक प्लेट ए लेके चले हम, जो केनीसीली केस में चार्ज्ड है। इसके नजदीक एक अनदर मेटालिक थिन मेटालिक प्लेट ली बी विच इज इनिशियली अनचार्ज एंड ए डिसकनेक्टेड विद ए अर्थ। फिगर ए, ये केस मान लिया स्टूडेंट। अब हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंडक्शन फिनोमिना डिस्कस किया था भाई। इंडक्शन फिनोमिना क्या आता स्टूडेंट आपका, इंडक्शन म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन दो टाइप के आएंगे आपके आगे की यूनिट। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो हमारे यूनिट्स आएंगी थर्ड और फोर्थ के अंदर, अल्टरनेटिंग करंट्स आएगा फोर्थ यूनिट में, वहां पे हम इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दो टाइप होंगे हमारे, सेल्फ इंडक्शन और ए म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन केस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन का मीनिंग होता है कि एक अनचार्ज्ड बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी के नजदीक लेके आने से ही उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता, नॉट इन एक्चुअली कॉन्टेक्ट, वो एक्चुअल में कॉन्टेक्ट में नहीं आते, थोड़ा सा गैप रहता बीच में। जैसे हमने यहाँ पे गैप शो करा रखा, सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। तो इस केस में जब मेटालिक प्लेट बी आपकी इस ए के नजदीक आती है तो नजदीक आने से ही इसके ऊपर चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हमें इंड्यूस्ड चार्ज के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। इन फिगर बी केस अगर हम बात करें, ये ले ली भाई हमने बी केस, ये आपका कनेक्शन था आपका Now in this case it is also disconnected. The induction phenomena tells that the induced charge of opposite polarity, positive charge on its outer surface and a negative charge on its inner surface. जो चार्ज इंड्यूस हुआ स्टूडेंट हमारा figure B. बी फिगर के अंदर हमने चेक किया कि जो मेटालिक प्लेट बी थी आपकी उसके इनर फेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो आउटर फेस स्टूडेंट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज हमारा वो पोटेंशियल के लिए अपोज करेगा और उसके फेवर में जाएगा, क्योंकि जब हम प्लेट ए के लिए चार्ज प्रोवाइड किए हुए हैं तो उसका कुछ पोटेंशियल भी है। हमने कैपेसिटेंस के अंदर ये बात पढ़ी थी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एज द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटिंग प्लेट देन इट्स पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। अब यहाँ पे चार्ज क्यू अगर हम बात करें क्यू है तो पोटेंशियल भी कितना इसका वी है। अब जो नेगेटिव पोटेंशियल, जो नेगेटिव चार्ज बी प्लेट के ऊपर डेवलप हुआ है, नेगेटिव चार्ज अपोजिस द पोटेंशियल दैट इज डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ ए, एंड बी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आउटर फेस के ऊपर आया है विच फेवर्स द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। अब यहां पे इसका जो अमाउंट है मैग्नीट्यूड स्प्रेड वो सेम होता है, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव और ए पॉजिटिव फॉर्म में उसका अमाउंट सेम है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो नियर टू प्लेट ए है। नियर होने के कारण जो इफेक्ट आएगा पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में वो हायर होगा, सो इट डिक्रीजेस इट्स ए पोटेंशियल। अगर आपका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो चार्ज भी क्या करेगा स्टूडेंट ए प्लेट के लिए डिक्रीज करेगा, टू मेंटेन मैक्सिमम चार्ज मोर चार्ज इज गिवन टू इट।
इसको और भी चार्ज देना पड़ेगा स्टूडेंट हमने, क्लियर। जो प्लेट बी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल का अपोज भी करेंगे और ए फेवर भी करेंगे। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पोटेंशियल का अपोज करता है, दैट इज डिक्रीजेस, एंड पॉजिटिव चार्ज फेवर्स द पोटेंशियल, दैट इज इंक्रीजेस। अब यहां पे देखा भाई हमने प्लेट बी का जो नेगेटिव चार्जेस पार्ट है वो ए के नजदीक है, तो जो लार्जर इफेक्ट आएगा वो इसका होगा स्टूडेंट हमारा। तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, तो इसके चार्ज को मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें मोर चार्ज इज गिवन टू इट। अगर हम प्लेट बी को अर्थ के साथ कनेक्ट करें, ये कर दिया फ्रेंड हमने कनेक्शन इसका। अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था आपका प्लेट बी का, न्यूट्रलाइज्ड बाय द कमिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए अर्थ, फिगर सी, सी फिगर क्रिएट की हमने। देखो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहां पे गया, हम कॉमन सी बात बता देते हैं भैया, गोज टू द अर्थ, अर्थ के अंदर कैसे गया। जैसे ही हमने इसको अर्थ के साथ कनेक्ट किया तो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आपके इस कॉम्बिनेशन के थ्रू अपवर्ड आना स्टार्ट हो गई। जो कमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्लेट बी पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाता है, और नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए को क्या करेगा स्टूडेंट, अपोज करेगा, दैट इज डिक्रीजेस इट, तो इसको और भी डिक्रीज करेगा टू मेक इट मैक्सिमम। इसको यदि हमें मैक्सिमम रखना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मोर चार्ज इज गिवन टू इट, हमें लगातार इसको और भी चार्ज देते रहना पड़ेगा। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज एंड इट्स ए प्रिंसिपल। जैसे हम बात करें भाई जो फैन है आपका, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया मूव करना स्टार्ट कर दिया, वर्किंग प्रोसेस में आ गया, क्या अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो भी वो कंटिन्यू मूव करता रहेगा, नो, इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम, बिकॉज द मूविंग चार्ज टू इट स्टॉप, जो चार्ज पार्टिकल हम इसको देने लग रहे थे वो रुक जाते हैं, यानी कि जो चार्ज कैपेसिटी थी उसकी वो डिक्रीज करना स्टार्ट होगी, उसकी जो एनर्जी हमने दी थी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी पड़ी थी वो खत्म होना स्टार्ट होगी स्टूडेंट, जिसके कारण हमारा जो फैन है वो स्विच ऑफ करने के बाद रुक जाता है। तो अगर हमें इसको कंटिन्यू करना है तो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, यानी कि हमें इसको कंटिन्यू चार्ज देते रहना पड़ेगा, तभी हमारा जो फैन है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कंटिन्यू ऑपरेट कर पाएंगे। जैसे हम अपने मोबाइल की बात करें स्टूडेंट, बैटरी जो हमारी है सेल फोन के लिए उसको हम चार्ज करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जब वो फुल चार्ज हो जाता है तो हम उसको अनप्लग कर देते हैं स्टूडेंट, तो उसकी जो चार्ज हमने उसको दिया जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो चुका है, अब उसको हमने यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे जो चार्ज सेल की हमारा जो सेल फोन था उसकी बैटरी में जो चार्ज स्टोर हुआ था उसको हम धीरे धीरे यूटिलाइज करते हैं, धीरे धीरे वो बैटरी आपके फिनिश होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमें चार्ज फिर दोबारा उसको फुल चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, कनेक्ट विद द चार्जर, चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे, मींस मोर चार्ज इज गिवन टू इट सो दैट द बैटरी ऑफ द मोबाइल्स बिकम्स ए फुल। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ए वर्किंग ऑफ ए सेल।
जो हमारा मोबाइल फोन है उसकी जो बैटरी है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं स्टूडेंट आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उसको फुल चार्ज किया और आप कंटिन्यू उसको यूज करते रहोगे वो फुल ही रहेगी। नो, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो उसका पोटेंशियल था वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा स्टूडेंट, और जब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो उसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ था वो भी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि टोटल चार्ज फिनिश हो जाएगा। और जो बॉडी के अंदर चार्ज ही नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही नहीं है, तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। दैट इज फोन इज स्विच्ड ऑफ, हमारा जो फोन है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो स्विच ऑन करने के लिए स्टूडेंट आप क्या करते हो, उसको दोबारा से चार्ज करते हैं, चार्ज के साथ है कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल सेम ये है आपका, ये चीज बताती है आपको वो जो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर है, हमारा जो मोबाइल फोन है वो इसके ऊपर काम करता है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर स्टूडेंट्स। तो इसको लिखोगे कैसे, लेट ए कंडक्टिंग प्लेट A having charge Q, एक प्लेट A लेके चले स्टूडेंट हम, जिसके लिए चार्ज कितना मान लिया हमने Q। Take another metallic plate B, another thin plate B near it which is initially uncharged as shown in figure E, जैसा कि स्टूडेंट हमने फिगर ए के अंदर शो कराया। As the plate B comes near to plate A, the induced charge developed on the faces of plate B as shown in figure B, जैसा कि हमने B फिगर के अंदर शो कराया स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन नियरिंग फेस of B which decreases the potential of A, and a positive charge on outer surface of A B which favors to potential of A E। जो नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट हमारा वो क्या करेगा, एक प्लेट के पोटेंशियल का अपोज करेगा, दैट इज डिक्रीज करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा स्टूडेंट, इसका फेवर करता है, तो फेवर करेगा तो इंक्रीज करेगा। लेकिन जो प्लेट बी का नेगेटिव चार्ज है वो ए के क्लोज है, तो जो इफेक्ट आएगा वो इस नेगेटिव प्लेट का आएगा। एज नेगेटिव चार्ज इज नियर टू प्लेट ए, सो इट्स इफेक्ट इज ए लार्जर,
and potential of A decreases. इस A plate का जो potential था वो क्या करेगा student? A decrease कर जाएगा. To make maximum more charges is given to it. इसको मैक्सिमम बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट? ए और भी चार्ज आप इसको देना सकते. नाउ प्लेट बी कनेक्टेड विद अर्थ एज शोन इन फिगर सी. हमने प्लेट बी को स्टूडेंट आपके साथ कनेक्ट कर दिया जैसा कि हमने फिगर ए सी के अंदर शो कराया है. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय coming electrons from a earth. So only negative charges resides on plate B which decreases the potential of A. अब जो फेवर करने वाला चार्ज था स्टूडेंट वो तो आपसे जो इलेक्ट्रॉन आने लग रहे थे उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया. सिर्फ कैसा चार्ज रहेगा बी प्लेट के ऊपर? नेगेटिव रहेगा. अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इसको डिक्रीज करेगा. टू मेक इट मैक्सिमम मोर चार्ज is given to it. This is the principle of a capacitor students, जिसके ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो काम करता है. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट जो हमने टाइप्स ऑफ ए कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था. लास्ट डे हमने 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बनाए थे भाई. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और ए सिलैंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर. तो अब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो बिल्कुल सेम जो हमने यहां पे प्रिंसिपल लिया था उसके ऊपर अब हमने काम करना स्टूडेंट. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चलते हैं हम. लेट द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर A and A, B, separated by a certain distance, let A, D. एक separation मान लिया स्टूडेंट इन दोनों प्लेट्स के बीच में D. चार्ज Q is given to plate A. जब हम प्लेट A को चार्ज Q प्रोवाइड करते हैं, then due to induction phenomena, negative charge on its inner surface and a
पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स आउटर सरफेस इज इंड्यूस्ड एज द प्लेट बी इज कनेक्टेड विद द अर्थ सो द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द कमिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए अर्थ हेंस द चार्ज डेंसिटी फॉर प्लेट ए लेट सिग्मा पॉजिटिव और बी के लिए कैसी हो जाएगी भाई स्टूडेंट्स सिग्मा नेगेटिव हमने दो प्लेट ली एक कैपेसिटर के लिए ए एंड बी ए को हमने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया है तो इंडक्शन फिनोमिना के कारण स्टूडेंट्स इस बी प्लेट के नियरिंग फेस के ऊपर कैसा चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव और फर्दर सरफेस के ऊपर ए पॉजिटिव और जो फर्दर सरफेस है हमारी वो किसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने अर्थ के साथ तो जो अर्थ में से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज का क्या करेंगे न्यूट्रलाइज टू इट तो प्लेट बी के ऊपर सिर्फ कैसा चार्ज रहा भाई नेगेटिव तो हमने इनके लिए चार्ज डेंसिटीज अज्यूम कर दी प्लेट ए के लिए पॉजिटिव सिग्मा दे दिया और प्लेट बी के लिए स्टूडेंट हमारे नेगेटिव सिग्मा तो यहां से हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी भाई द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स जो हमारे दोनों प्लेट हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या आ जाए स्टूडेंट हमारे तो डायरेक्शन ये हो जाएगी फील्ड के ई इज इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन ए नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट E is equal sigma by epsilon A नोट यहां पे हमारा जो epsilon नोट है वो क्या बताता स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर ए स्पेस और हमने मैग्नीट्यूड निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था स्टूडेंट हमारा E इज इक्वल डी वी बाई डी आर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट डिराइव किया था थर्ड चैप्टर के अंदर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जाना था स्टूडेंट तो वहां पे हमारा रेशो आया था E इज इक्वल माइनस डी वी बाई डी आर E इज इक्वल माइनस ए डी वी बाई डी आर अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की तो मैग्नीट्यूड है तो कैसा हो जाएगा स्टूडेंट ये आपका पॉजिटिव तो E इज इक्वल डी वी बाई डी आर विच इज इक्वल V बाई डी हमने इसको V बाई डी क्यों लिया स्टूडेंट यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा यूनिफॉर्म है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ऑफ द प्लेट हियर ई इज यूनिफॉर्म यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है स्टूडेंट हमारा यूनिफॉर्म होता है एंड ए परपेंडिकुलर टू प्लेन्स ऑफ ए प्लेट्स यहाँ पे हमने जो यूनिफॉर्म वर्ड लगाया है इसका मीनिंग क्या स्टूडेंट इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो यूनिफॉर्म में बात करते हैं हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की भाई सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन हो तो उसको हम यूनिफॉर्म केस बोलते हैं अगर बीच में गैप इंक्रीज हो जाए तो वो केस क्या कहलाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म केस तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी हमारी आर ऑफ सेम है सेपरेशन की होती है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है स्टूडेंट हमारा वो कैसा होगा कि यूनिफॉर्म तो ई इज इक्वल क्या गया हमारा यहां से वी बाई डी तो यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाए सो
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल ई इंटू मे डी, इसको इधर उठा रहा स्टूडेंट तो क्या जाएगा ई इंटू मे डी, और आपकी ई वैल्यू कितनी है स्टूडेंट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सो V is equal sigma by epsilon naught into me D as E is equal sigma by epsilon naught. और sigma जो हमारे charge density है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होती है, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A अज्यूम करके चले, एरिया ऑफ A क्रॉस सेक्शन ए मान लिया स्टूडेंट हमने, तो सिग्मा किसके इक्वल होता है, सिग्मा इज इक्वल चार्ज पर यूनिट एरिया एस, सिग्मा इज इक्वल चार्ज पर यूनिट एरिया, सो वी किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट हमारा, यहां पे रखो सिग्मा की जगह पे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी, तो वी की वैल्यू आ गई, हमने चाहिए क्या भाई इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या फार्मूला होता स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का, सी इज इक्वल क्यू बाई वी, और हमने वी निकाल दिया भाई, तो यहां पे वी की वैल्यू पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी, हेंस सी इज इक्वल क्यू अपॉन वी की वैल्यू भाई क्यू इंटू में डी इंटू ए एप्सिलॉन ए नॉट, तो भाई क्यों से क्यों कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है एक कैपेसिटर के लिए वो क्या जाए, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो यहां से आप ऑन विच फैक्टर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर डिपेंड्स, एक पैरेलल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर गया स्टूडेंट, ए एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, डी सेपरेशन बिटवीन देम जो गैप है इनके अंदर, एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो सी की वैल्यू क्या करेगी स्टूडेंट यहां से इंक्रीज करेगी, अगर सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे तो सी की वैल्यू क्या करेगी स्टूडेंट हमारी डिक्रीज करेगी, ऑन विच फैक्टर्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स, तो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर गया स्टूडेंट यहां से, तो आंसर लिखेंगे हम एज सी इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, हमारा जो सॉल्यूशन आया है तो यहां से आपका सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सी डायरेक्टली टू एप्सिलॉन नॉट, सी इनवर्सली टू डी स्टूडेंट, तो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर हमारे कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड करता है, तो ये था हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस वैल्यू, यहां पे जो आप अजम्पशन करोगे वो कैसे लिखोगे स्टूडेंट, क्योंकि फिजिक्स के अंदर एक कंबाइंड प्रोसेस लेके चलते हैं, केवल मैथमेटिकल से काम नहीं चलता हमारा, डेरिवेशन से काम नहीं चलेगा, हमने जो चीज यहां पे ली है स्टूडेंट उसको भी बताना होता है, अजम्पशन करना होता है इस चीज को, तो हमने यहां पे क्या लिया था भाई एक दो प्लेट ली थी एक कैपेसिटर की, लेट टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज इज
ऑन प्लेट ए एंड नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन इनर सरफेस ऑफ ए बी. द बी इज प्लेट बी इज अर्थ. मीन्स जैसा आगे आपने फिगर में शो करा रखा है बी को कैसा किया भाई अर्थ के साथ कनेक्ट कर रखा है. द सेपरेशन बिटवीन देम इज ए डी. इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन स्ट्रेंथ वो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा. तो हमने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन किया दोनों प्लेट्स के बीच में जो कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि इनके लिए चार्ज डेंसिटी इफ ए चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट ई इज इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होता है ई इज इक्वल डीवी बाय डीआर व्हिच इज इक्वल वी बाय डी. यहाँ पे हमारा V by D क्यों लिया स्टूडेंट हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म केस में है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स ऑफ द प्लेट है तो यहाँ से V निकाल दिया भाई तो V किसके इक्वल आ जाएगा V is equal E into में D. तो E किसके इक्वल होता है देखो यहाँ से सिग्मा बाय एप्सिलॉन ये वैल्यू पुट कर दी और सिग्मा जो चार्ज डेंसिटी है हमारी वो किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट चार्ज पर यूनिट एरिया. फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने तीन प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किए थे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां से अगर हम सरफेस एरिया ए लेके चले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल क्यू बाय ए. तो वी यहाँ पे सिग्मा इज क्या पे पुट कर दिया और इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकाल. तो ये था हमारा C इज इक्वल ए एप्सिलॉन बाय डी हो जाएगा. अब अगर इस पैरेलल प्लेट के अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब या फिर कंडक्टिंग स्लैब को पुट करें स्टूडेंट तो इसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज पुट इनसाइड इट. Effect on capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is put inside it. अगर हम उसके अंदर जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चले स्टूडेंट अगर उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया जाए तो उसके कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा वो चीज हमने यहां से डिटरमाइन करनी है. अब हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था भाई ये लेके चले थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ए एंड बी लेट चार्ज ए एंड बी भाई
जिसको हमने बी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर रखा था। तो यहां से जो चार्ज डेंसिटी थी भाई हमारी, अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट सेटअप करें इसके बीच में, चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेके चले, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी लेके चले, तो इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना था इन केस ऑफ फ्री स्पेस, सी नॉट इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाई। अब जो केस हमने पढ़ा है पहले वाला जो टॉपिक है जिसके लिए हमारे कैपेसिटेंस वैल्यू आई थी सी नॉट इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के इक्वल आई थी भाई, तो हम वही चीजें लेके चलेंगे। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सेपरेशन बिटवीन देम इज डी, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन ए फ्री स्पेस। क्या क्या था स्टेट हमारा, सी नॉट इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आर। अब ये क्या करते हैं भैया, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पुट किया इसके अंदर, लेट ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, ये ले ली भाई, जिसकी थिकनेस कितनी है ज्यूम की भाई हमने टी, ये मान के चले गए एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। तो इसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हमने एक्सटर्नल फील्ड के अंदर पुट किया देन चार्ज डेवलप्ड ऑन ए, इस साइड कैसा आ जाएगा भाई पॉजिटिव और इस साइड कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इसके अंदर जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम ईपी के नाम से, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, जिसको हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जाना था। तो अब हमने यहां से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा भाई वो कहां पे निकले, जो ये गैप रहेगा देखो ये गैप रहेगा भाई इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जो हमारा ई नोट फील्ड है वो तो ए और बी के बीच में हो गया जिसका थिकनेस कितनी ले रहा था डी, और जो ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन सेटअप हुआ स्टूडेंट वो किसके अंदर आया इसके बीच में, तो हमने तो यहां तो चाहिएगा जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा उसके लिए वैल्यू तो हमने निकालनी पड़ेगी ना, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम इसके लिए, लेट ए ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, जो के कितनी है स्टूडेंट टी लेस देन ए डी, इज ए प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सो चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द फेस ऑफ स्लैब एज शोन इन फिगर
फेगा। सो ड्यू टू पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप विच इज अपोजिट इन ए डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल फील्ड EP। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा AP आ जाएगा। तो हम यहां से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करेंगे स्टूडेंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जो हमारे इस कैपेसिटर की दोनों प्लेटें हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जिसको हम वी से इंडिकेट करें तो क्या वैल्यू हो भाई इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए थिकनेस कितनी मानी स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया इसका ए। तो इसके लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में थिकनेस, तो वी इज इक्वल ई इनटू में टी प्लस में भाई ये जो वैल्यू है हमारी ये तो सिर्फ इसके लिए आ गई स्लैब के लिए। अब जो ये रिमेनिंग पोर्शन है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन सा होगा स्टूडेंट ई नॉट, तो ई नॉट इनटू में इसकी थिकनेस क्या रहेगी, जो टोटल थिकनेस की हमारी प्लेट्स के बीच की वो कितनी है डी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कितनी है स्टूडेंट हमारी टी, तो इस रिमेनिंग पोर्शन की क्या रहेगी ई नॉट इनटू डी माइनस ए टी। वी इज इक्वल ई इनटू में टी तो स्लैब के लिए आ गया भाई, और ई नॉट इनटू डी माइनस टी किसके लिए आ गया, जो इन दोनों के बीच का पोर्शन है। अब हमने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू निकाली थी सेंस ई नॉट बाई ई इज इक्वल ए के, एक रेशो लेके चले थे हम, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने डाइलेक्ट्रिक के कॉन्स्टेंट के नाम से जाना था। तो यहां से ई की वैल्यू क्या आ जाए E is equal इसको इस साइड, तो E not by K, so V is equal यहाँ पे रखो भाई E not by K into में T plus E not into D minus A T, तो क्या कॉमन हो गया से E not, तो V is equal E not into में भाई क्या रह गया यहाँ पे T by K T by K plus D minus में T, ये वैल्यू आ गई हमारी। और E नोट किसके इक्वल हो स्टूडेंट हमारा सिग्मा by एप्सिलॉन नोट, तो V is equal सिग्मा by एप्सिलॉन नोट T by K minus का T plus का सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और सिग्मा किसके इक्वल है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो V इज इक्वल चार्ज बाई क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू टी बाई के माइनस में टी प्लस में डी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, हमें चाहिए क्या इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सी इज इक्वल क्यू बाई तो वी बाई, और ए वी की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी वी सी इज इक्वल क्यू अपॉन वी की वैल्यू रखो क्यू ऊपर जाएगा ये ए एप्सिलॉन नॉट
इनटू में भाई रखो ये वैल्यू आपकी टी बाई के माइनस में टी प्लस ए डी। तो भाई क्यों से क्यों कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या आ जाए हमारी वैल्यू सी इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट इनटू टी बाई के माइनस में टी प्लस ए डी। तो जो C है हमारा A epsilon into T by K minus में T plus A D student, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब हम यहां से इसका जो रेशो चेक करेंगे, V हमारा सिग्मा by epsilon सेम हो जाएगा, अभी सिग्मा चारों पर यूनिट है, एरिया V की वैल्यू होगी C is equal Q by V है, V की जगह पर हमने पुट किया तो ये इन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये आपकी एज इट इज आ जाएगी क्वांटिटी। तो इसमें से अगर हम वैल्यू निकालें क्या कॉमन है यहां से भाई आपका, अगर आप सी और सी नोट की बात करते हैं भाई, सी ये आगे वैल्यू और ए सी नोट ये आगे हमारे, तो यहां से अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट आपका, इसमें से कॉमन क्या आपके टी को हम कॉमन निकाल दें तो सी इज इक्वल क्या आ जाएगा भाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू टी ब्रैकेट वन बाई के माइनस में वन प्लस में डी वन एक्स सी ग्रेटर देन ए सी नॉट। जो हमारा सी की वैल्यू है वो क्या करेगी भाई ग्रेटर देन ए सी नॉट हो जाएगी, मीन्स एज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट इनटू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस गोज ऑन ए इंक्रीजेस, वैल्यू इंक्रीज करते जाएगी भाई हमारी। साइड केस और बनाएंगे स्टूडेंट हम यहां से C is equal Q upon V की वैल्यू रखोगे आप Q into T by K माइनस में T प्लस A D into में भाई A epsilon A नॉट। तो यहां से हमारा कॉमन हो जाएगा ना, ये वही केस सेम प्रोसेस में आ जाएगा। अगर जैसे हम इसको यहां से तो सिंपल फॉर्म रख दी थी हमने, अगर बात करें इसकी तो ये आ जाए आपका C is equal A epsilon इन दोनों को साथ ले लो तो D minus में T, देखो ये दोनों हो गए प्लस में T by K by C is equal A epsilon upon A, अब इसको और इसको एक जगह पे लिया हमने तो D minus T हो गया स्टूडेंट प्लस में T by K। अगर हम इसका रेशो लेके चले आप C और C नॉट को, ये हियर C फिर ग्रेटर देन क्या रहेगा स्टूडेंट आपका C नॉट के इक्वल, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब पुट करोगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या करेगा इंक्रीज करेगा। यहां से आप इसके स्पेशल केस बनाओगे स्टूडेंट, स्पेशल केस इसमें अगर हम जो थिकनेस थी आपकी डायलैक्ट्रिक स्लैब की वो सेपरेशन के इक्वल ले ली जाए तो भाई फर्स्ट केस में हमने कि T इज इक्वल ए डी, दैट इज द थिकनेस ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। तो जहां पे T है वहां पे D रखेंगे भाई, यहां पे रखा हमने D
डी, तो डी माइनस बी हो गया आपका, तो ये फैक्टर तो जीरो हो गया, प्लस में डी बाई के, तो सी इज इक्वल क्या आ गया भाई, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई के, तो के ऊपर जाएगा इनटू में के, और ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी किसके इक्वल आपका, सी नॉट के, तो सी इज इक्वल क्या आ गया, सी नॉट ए के, के इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वाई, तो सी नॉट इज इक्वल टू दिस, तो सी जो हमारी कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होता है स्टूडेंट, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा आपका, यानी कि जब हमें थिकनेस को इसका सेम मान लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है सी इज इक्वल के सी नॉट, अगर हम इसको इसका मान लें तो भाई सेकंड केस बना दो, ए पे टी इज इक्वल डी बाई टू, अगर T को हमें D by 2 के इक्वल लें तो जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है स्टूडेंट हमारा C इज इक्वल, तो यहां पर सॉल्व करो इसको, ए एप्सिलॉन D की T की जगह पर क्या रख दिया भाई हमने D by 2, तो D माइनस में D by 2 प्लस में T की जगह पे फिर D by 2 रखो, D by इनटू में 2k, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2k एप्सिलॉन नॉट अपॉन बाय K प्लस ए वन, तब ये आ गए, यानी कि सर हमने T को D के इक्वल लिया है तो C K एप्सिलॉन C के C नोट आ जाएगा सॉरी, और जब हमें T को D बाई टू पुट करेंगे तो C किसके इक्वल आ जाएगा, 2 K एप्सिलॉन नोट बाई K प्लस ए वन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब व्हेन प्लेस्ड इनटू द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर स्टूडेंट्स, तो ये इफेक्ट यानी कि वेरिएशन आ जाएंगे उसके जो कैपेसिटेंस वैल्यू थी उसको चेंज करेगा स्टूडेंट, इंक्रीज होती जाएगी, जैसे हमने यहां से देखा भाई अगर हम इसको सोल्व करें यहां तो डी कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस टी बाई डी प्लस दिस, तो डी टाइम्स डी ये क्या हो जाएगा आपका, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी सी नॉट हो गया, तो सी नॉट बाई दिस, तो सी ग्रेटर देन सी नॉट हो गया, फिर इसके स्पेशल केस बनाए भाई हमने इफ टी इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे रखेंगे यानी कि ये चीज यहाँ तक होगी, तो सी इज इक्वल क्या हो जाएगा कि सी नॉट के टाइम्स ऑफ, तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ तक करना है इसको।